हेलो एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आप किसी अपने लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो और वहां पर आपको आता है कि देयर इज़ नॉट एनफ मेमोरी और रिसोर्सेज इन टू कंप्लीट ऑपरेशन, क्लोज सम प्रोग्राम्स एंड देन ट्राई अगेन, तो ये क्या एरर रहता है और इसका मतलब क्या है, मैं आपको फ्रेंड्स इस वीडियो में बताऊँगा। इसका कहने का मतलब है कि ना कि यहाँ पर कोई मेमोरी या ऐसा कोई रिसोर्सेज है जो इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर सके, तो ये आपको समझा रहा है कि आप जो है इसे आप दोबारा से इसे ट्राई करें या इस प्रोग्राम को क्लोज़ करें। तो इसको कैसे आपको जो है सोल्यूशन इसका निकालना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आप इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपना जो है पीसी वाला जो फोल्डर होता है उसे आपने ओपन कर लेना है। दिस पीसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, इसको यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। प्रॉपर्टीज़ के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ से करना क्या है, चेंज सेटिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है, एडवांस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर चले जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जाने के बाद अब आपको करना क्या है, फर्स्ट वाला जो सेटिंग है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। देन फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ से जो नीचे वाला एडजस्ट दी वेस्ट अपीयरेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको यहाँ से इसे क्लिक कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एडवांस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब आप फ्रेंड्स करना क्या है, आपको चेंज करने के बाद अब आपको यहां से ऑटोमेटिकली वाला जो ऑप्शन है इसे जो है टिक इसका हटा लेना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपको नीचे दिख रहा होगा जो रिकमेंडेड जो एक मेमोरी का साइज है वो आपको यहां पे कस्टमाइज कर लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, कस्टम साइज पर क्लिक कर लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कस्टम साइज पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो रिकमेंडेड साइज है एक मेमोरी का आपको यहां पर टाइट कर लेना है 1138 MB। नीचे भी आपको मैक्सिमम साइज भी वही टाइप कर लेना है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स करना क्या है, उसके बाद आपको सेट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, यहां पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से ओके कर लेना है। अब आप देख सकते हैं दी चेंज हैव बीन रिक्वायर्ड टू योर कंप्यूटर बिफोर दे कैन रिस्टार्ट। अब आपको ये सब जो भी है इसको एरर सब कुछ ये इसको क्लीन कर लीजिए। इसको क्लियर करने के बाद आपको जो आपका सिस्टम है, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, वो आपको रिस्टार्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है वो काम करता है या नहीं करता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसे रीस्टार्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स आप यहां से इसे रीस्टार्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसे आपने रीस्टार्ट एनीवे पे कर लेना है, आपने किसी भी फोल्डर को क्लिक नहीं करना है, यहाँ से आपको रिस्टार्ट एनीवे पे क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है वो रिस्टार्ट होना शुरू हो चुका है। ओके, तो फ्रेंड्स रिस्टार्ट आपका जो है वो दोबारा से जो ओपन हो चुका है आपका लैपटॉप जो है। थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो जो है ओपन हो चुका है। अब आप यहां पर अपना जो पासवर्ड है वो लगाकर आप ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो है बिल्कुल ओपन हो चुका है। अब इसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखिए कि आपका जो हर एक सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा है, या अभी भी वैसा ही एरर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करके देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक फ़ोटो जो है ओपन किया है, उसके बाद मैं इसे एक पेंट वाला जो एप्लीकेशन होता है उसमें इसे ओपन करूँगा। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ना कि अभी कोई भी एरर यहाँ पर आ रहा है। आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली जो है वर्क कर रहा है। चलिए आप इस फोल्डर के या इस जो आपने फ़ोटो वगैरह यहाँ पर पेंट वाले ऑप्शन में आपके सॉफ्टवेयर पे आया है, इसे आप सेव करके भी देखिए कि आपका जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है।